अब कल हमारे जो है वो दो मैचेस हैं, उसके बाद हमें फुरकान भाई से जरा वरुण बात करनी है। कल दो मैचेस हैं और उन दो मैचेस की प्रेडिक्शन भी ले लेते हैं। कल एक मैच है इंग्लैंड और बांग्लादेश का और दूसरा मैच है स्कॉटलैंड और नामीबिया का। तो मेरे ख्याल में कल पहला मैच इंग्लैंड जीतेगा और दूसरा मैच स्कॉटलैंड जीतेगा। और आपका क्या ख्याल है डॉक्टर साहब, पहला मैच कौन जीतेगा इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश में? इंग्लैंड जीत जाएगा। और दूसरा मैच कौन जीतेगा? स्कॉटलैंड और नामीबिया का है दूसरा मैच। नामीबिया। अच्छा ओके, यूनुस भाई आपने बताया। नहीं नहीं, कोई मैच फिक्सिंग नहीं हुई है। अच्छा आज हम मिल ही नहीं पाए यार, देख लें यार, हमेशा आपके पास अगर अगर वीडियो है पीछे यूनुस भाई हैं ये यहां बैठे क्या करते हैं पता है? हां यूनुस भाई, अहमद ने दो बार यूनुस भाई को बोला कि पीछे तो देखो। वसीम भाई, मैं भी तो आपको कब से कह रहा हूँ कि तनवीर भाई आपके फालू वो है, नहीं नहीं कैप्टन है और आप उनसे पूछते नहीं है। मैं तो हर रोज उनसे पूछता रहता हूँ ना। किन से पूछते हैं? यूनुस अंकल से? हाँ ना, वो मेरे कैप्टन है। अब मैं भी रोजाना तनवीर अंकल से पूछा था जी, बट आपके कैप्टन वो है ना। बट ठीक है, मैं आपसे जो है वो मैं तनवीर अंकल से पूछूंगा। तो शेख साहब, सर आप यहाँ पे तशरीफ लाएं तो आप बताएं, आपका वैसे वजीरे दाखला आपका क्या कहना है? आज वो वाली टीम जो हमारे घर तक आके वापस चली गई थी, आज हमने उसको घर पहुंचा दिया। देखे ये बगड़े कहाँ तक भागेंगे? अच्छा, छोटी सी दुनिया, हमने इनको नपड़ लेना और इनको पकड़ के खींच के। न्यूजीलैंड भी बहुत, हमें नहीं, हमारे नाजामा जितना है पूरा न्यूजीलैंड तकरीबन इतना छोटा सा। मैंने तो चक्कर चुकर लगाए हुए उधर, मैं उधर साहिलों पे बहुत मतलब सन बाथ लेना और बैठना उधर। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनसे ज्यादा तेज मैं भागा था, अगर आपको याद हो वो जो एकदम याद आ सर। लेकिन ये बताएं, मतलब अभी कुछ लोग ऐसे शरारत नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा ऐसा होगा, जो इंडिया के खिलाफ जब जीते हैं, जिस तरह न्यूजीलैंड यहाँ तक आके वापस चला गया था ना, आप दुबई तक गए मैच देखने पर वापस आ गए, तो आपके मुखालफीन कह रहे हैं कि शेख साहब के ना होने की वजह से पाकिस्तान जीत गया। देखें देखें, मुखालफीन को बकवास करने दें आप, गुस्से में आ गया, सख्त जुमला कह रहा। देखें, अगर मेरे इस तरह से वापस आ जाने से अगर मेरी कौम को फायदा होता है या मेरे ना होने से मेरी कौम तरक्की करती है, तो मैं आज ही आत्महत्या कर लूंगा जी। अच्छा ठीक है, और मैं अमर हो जाऊंगा। अच्छा, और जहां तक हिंदुस्तान की बात की, क्या हो रहा है उधर, आप देखें, मैं अपने ये जो तीनों खान है उनमें से यूनुस खान साहब के भी दोस्त हैं वो। अच्छा अच्छा, शाहरुख और सलमान, और जिसके बेटे को ड्रग्स में फंसाया हुआ है। जी जी, जिस तरह राणा साहब का मसला हुआ था आपको तो पता, राणा सनावला वाला मसला है आर्यन का। राणा सनावला वाहिद आदमी है जो समझ सकता है आर्यन खान का मसला। मैं ये वसीम भाई, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो पाकिस्तान आए, उनके शिनाख्ती कार्ड मैं बनवाऊंगा और अच्छा, वो यही सेटल करेंगे उनको। और शाहरुख खान का तो घर भी है पेशावर में। वही कुमार साहब का भी है क्या? ना ठीक, कुमार सानू साहब का भी है पिंडी में। सानू साहब का भी है पिंडी में। अच्छा, वो आएंगे तो गिराएंगे हम उस घर में जब वो शिफ्ट होंगे। सर लेकिन ये बताएं, ऐसे ही मैं सोच रहा था, शाहीन आजकल छाए हुए शीन से शाहीन है। अच्छा, मैं सियासत, क्योंकि 11th आर का वक्त हो रहा है, वहाँ देखूँ तो शहबाज शरीफ साहब बहुत खुश हैं, तो शीन से शाहीन, शीन से शहबाज, शीन से शेख भी हैं, तो ये शीन वाले बड़े। देखें, शीन से एक डांसर शीन भी है। और ये शीन अगर तीनों मिले, अगर ये तीनों शीन मिले तो मैं कहता हूँ एंड हो जाएगा। नहीं नहीं सर, मैं इनिशियल्स की बात कर रहा था, पूरे पूरे नाम पे आप चले। बाकी देखें बात सुने, ये वो शीन हो या स्वाद हो या द्वाद हो, अगर ये कॉम्बिनेशन इसी तरह चलता है और पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेकर वापस आ जाता है। क्या लेकर आया था? वर्ल्ड कप। तो मेरा नहीं ख्याल जी कि इसमें कोई मजायका हो सकता है। ठीक है, चले सर, एक मुझे ब्रेक की इजाजत दे देना। चले जी, आप कहीं नहीं, आप बैठे, मतलब मैं चलता हूँ। अच्छा सही है, ठीक है, मैं किसी दिन टाइम निकाले हम आपको लेके चलते हैं कहीं। सर मुझे नहीं आ रहा, सर हम इनसे बात कर रहे हैं। चले वहाँ वो भी होंगी। चले फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ब्रेक में एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मासूमाना सवाल, हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूक जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट ARY न्यूज। पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।